और देखो ये आप पूरा का पूरा जो स्टूडियो देख रहे हो ना, ये वाला स्टूडियो, यही इसके अंदर ही पूरा कपिल शर्मा शो का सेट बनाया गया है। कपिल सर की है ना वैनिटी भी यहाँ पर खड़ी हुई, से सारे सेलिब्रिटीज लोग की एंट्री होती है। ये वाली बहस है ना आपको कई बार शो में दिखाई जाती है। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में ना अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर मुंबई की फिल्म सिटी में, और आपको है ना आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कपिल शर्मा शो के सेट। तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना गेट, यही मेन एंट्रेंस है यहाँ पर फिल्म सिटी के अंदर जाने के लिए। तो अभी मैं ना आपको अंदर लेकर चलता हूँ। आप मैं जा रहा हूँ एज अ ऑडियंस द कपिल शर्मा शो में। अभी है ना दोपहर के 1 बज रहे हैं, काफ़ी अर्ली आ चुके हैं हम लोग। 2 घंटा हमारा कॉल टाइम है ना, करीब 3 बजे का है दोपहर में। पहले ना मैं करीब 1 से 1.5 साल पहले जब कपिल शर्मा शो में गया था, और अभी देखो अभी इतने टाइम बाद जा रहा हूँ, तो अभी चलकर देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए, क्या कुछ नई चीज़ें अंदर बनी हुई है, सारी चीज़ें हम चलते हैं और डिटेल्स में एक्सप्लोर भी करते हैं। कौन सा शूट भी होने वाला है कपिल शर्मा शो में और कौन से सेलिब्रिटीज़ भी आने वाले देखते हैं यार, अभी तो वहाँ पर चलकर ही मालूम पड़ेगा। अभी देख सकते हो मैं अभी फिल्म सिटी के बाहर ही हूँ, यहीं पर मेन गेट है ये फिल्म सिटी का। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको अंदर चलकर मिलता हूँ। यहाँ पर गेट पर आते ही सामने आप देख सकते हो ये बॉलीवुड पार्क की ऑफिस है। यहाँ पर मतलब जो बस टूर के लिए जाते हैं उनके टिकट्स आप यहाँ से ले सकते हो। और फिर अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर, और ये आगे आते ही आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई तो एक टीएम के उसी में ढाबे वाला सीन था, वो यहाँ पर शूट किया गया था। अभी यहाँ पर आगे की तरफ आते ही आप सामने देख सकते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसका यहाँ पर सीरियल का सेट लगा हुआ है। तो ये अभी है ना काफी बहुत पुराना सेट यहाँ पर लगा हुआ है, करीब 2009 से ये यहाँ पर ही है। और फिर ये आगे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर ये कोर्ट रूम का सेट आ चुका, कोर्ट रूम में अभी तो है ना कोई तो शूट चल रहा है। और अभी हम देख सकते हो पहुंच चुके हैं यहाँ पर फिल्म सिटी के अंदर ही। आप ये तरफ देख रहे हो ना, ये एक एम्प्टी फ्लोर है। यहाँ पर है ना एक काफी फेमस मूवी शूट की गई थी, जो कि अक्षय कुमार सर की मिशन मंगल मूवी थी ना, वो इसके अंदर शूट की गई थी। जो कि जब भी मैं बहुत साल पहले जब भी कपिल शर्मा शो में आया करता था ना, तभी यहाँ पर मिशन मंगल के सेट वगैरह बनाए जाते थे, जो रॉकेट वगैरह के स्ट्रक्चर है ना, ये स्टूडियो के अंदर बनाए गए थे। और मेरे सामने की तरफ देख सकते हो वहीं पर है कपिल शर्मा शो के पूरा सेट। तो देखो अभी हम काफी ज्यादा है ना अर्ली आ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, तो हमें अभी थोड़ी देर वेट करना है। हम यहीं पर वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर बाद चलेंगे हम अंदर की तरफ। और देखो ये आप पूरा का पूरा जो स्टूडियो देख रहे हो ना, ये वाला स्टूडियो, यही इसके अंदर ही पूरा कपिल शर्मा शो का सेट बनाया गया है। अभी हम आ चुके हैं कपिल शर्मा शो के सेट के बाहर की तरफ, और यहीं से हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये देख सकते हो बाहर से कुछ ऐसा नजारा रहता है, लेकिन अंदर है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत रहता है, जैसा आप टीवी में देखते हो। और यहाँ से सारे सेलिब्रिटीज लोग की एंट्री होती है, और कपिल वगैरह जो यहाँ से एंट्री करते हैं। और स्टूडियो के बाहर ही यहाँ पर आप देख सकते हो कपिल सर की है ना वैनिटी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, और यहाँ पर कृष्णा सर की ये वैनिटी वैन है, और पीछे भी काफी सारी वैन खड़ी है ना, तो वो बाकी के जो स्टारकास्ट वगैरह रहते हैं शो में रहते हैं, उनकी वैन रहती है यहाँ। अभी है ना दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम लोग सेट के अंदर आ चुके हैं। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन सब कुछ भी हो चुका है, और अभी यहाँ पर सारे गेस्ट आते हैं ना, उनके लिए खाना पीना भी रखा गया है, क्योंकि शूट में ऑफकोर्स थोड़ा बहुत लेट होता है। और ये सेट है ना पूरा, उसके हम लोग लॉबी के एरिया में खड़े हुए हैं, और ये सामने आप भैंस देख सकते हो। ये वाली भैंस है ना आपको कई बार शो में दिखाई जाती है, कई बार है ना ये इसके साथ सारे वो कॉमेडी सीन्स यहाँ पर शूट किए जाते हैं। फिर देखो ये आगे की तरफ हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी सजावट की गई है, जो कि ये बाहर की तरफ जो रास्ता जाता है ना, यहीं से सारे मतलब जो सेलिब्रिटीज वगैरह रहते हैं, कपिल सर रहते हैं, सारे स्टारकास्ट रहती है, वो सारे यहीं से एंटर करते हैं, और ऑडियंस के लिए ना अलग रास्ता रहता है। और ये क्लिप देख सकते हो जो कि मुझे ऑनलाइन मिल गई, जो कि मैं भी इसी शो में था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब लोग जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है ना, ये सारे लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शो के लोगों द्वारा ऐसा बोला जाता है कि जो भी यहाँ पर यूनिक चीजें करके दिखाएगा वो लोग को वहाँ पर वो लोग चूज करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके लिए ज्यादातर। तो यहाँ पर देखो जो लोग ज्यादातर फनी चीजें करते हैं, थोड़े बहुत अतरंगी रहते हैं ना, वो लोग को ऑडियंस में से चूज करके वो लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं। तो गाइस अभी है ना रात के यहाँ पर 12 बज चुके हैं, और अभी जाकर है ना अपने शो का पैकअप हुआ है, सारी ऑडियंस यहाँ पर बाहर आई हुई है। और मैं शूट की बात करूँ ना, तो यार फन काफ़ी ज़्यादा रहा, और लेकिन यार थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ता है हमें। आपने देखा है हमें कि अर्ली आफ्टरनून में बुला लिया था, और फिर एंट्री भी हमारी थोड़ी सी लेट हुई यहाँ पर। फिर एंट्री होने के बाद भी 2 से 3 घंटा हमें वहाँ पर सेटल डाउन किया जाता है उस शो के अंदर, फिर उनकी सारी अरेंजमेंट्स की जाती है स्टेज के ऊपर, फिर उसके बाद सेलिब्रिटीज लोग की एंट्री होती है।
और जब भी सेलिब्रिटी और कपिल सर आते हैं ना, तभी वो तो फटाफट वन टेक में पूरा शूट कर लेते हैं। और आज है ना आयुष्मान खुराना और नौरा फतेही आई थी, उनका कुछ तो सॉन्ग लॉन्च आया है, नया सॉन्ग आया है, तो उसका कुछ तो सॉन्ग के प्रमोशंस के लिए आए वो लोग भी। शाम के 6 या 6:30 बजे अपना शूट स्टार्ट हुआ, कपिल सर भी तभी आए, और तभी शूट स्टार्ट होने के बाद तभी तो फिर है ना एक पूरे फ्लो में कंटिन्यूएशन में पूरा चलता गया। स्टार्टिंग में थोड़ा गीग वगैरह का एपिसोड में आपको दिखाया जाता है, वो थोड़ा शूट किया, फिर उसके बाद दोनों भी सेलिब्रिटी थे आयुष्मान खुराना और नौरा फतेही, उनकी एंट्री हुई करीब 7:30 बजे तक। फिर वो उनकी एंट्री होने के बाद है ना करीब 1 से 1.5 घंटा पूरा शूट चला, और फिर बाकी के तो थोड़े बहुत कट्स वगैरह थे, टेक्स वगैरह थे वो लेके फिर उनके है ना 11:30 से 12 बज चुके रात। और देखो इतने लेट तक शो चलता है ना, तो ऑफकोर्स हमारे लिए अंदर जाने से पहले ना थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट्स वगैरह रहते हैं बाहर की तरफ, वो भी हमने इंजॉय किया, जो कि आपने पहले ब्लॉग में देख लिए होंगे। मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मेरा एक्सपीरियंस यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि ऑफकोर्स मज़ा बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर, बोरिंग जैसा ज़्यादा नहीं लगता है, पूरा है ना फन रहता है वहाँ पर। और देखो आप में से मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हो कि कैसे आप लोग भी वहाँ पर जा सकते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जाने के लिए ना मैं तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनके थ्रू ही जाता हूँ। देखो ऐसे किसी को भी डायरेक्टली वॉक इन्स अलाउड नहीं रहते, कोई भी ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकता। मैं ये व्लॉग डाल रहा हूँ तब तक तो आपने टीवी पर देख लिया होगा, ये एपिसोड भी रिलीज हो ही चुका होगा। अगर आप मुझे स्पॉट करो ना कहीं पर एपिसोड में, तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस अभी हम ये वाला व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल द टाइम गुड बाय।